हमारी छुटकी सोचे समझे बिना कोई फैसला कर ही नहीं सकती है। गुड़िया को किसी की नजर कितनी बड़ी होगी और कितनी सुंदर भी और बेवकूफ भी। भाभी आप आ गई तो भी आप इसे समझो। समझा कि इस दुकान के चक्कर में कितने दुखों का सामना करना पड़ रहा है। घर बिक सके एंड आई एम श्योर माना आज भी पक्का मुझे ही पूछती हूँ। हंस क्या रही? इस दुकान का बेटर फ्यूचर ये तो हमारा सपना था, उसी के लिए तो हम सब बैंक गए थे। पटना स्टोर का बेटर फ्यूचर ये तो हमारा सपना था। एग्जैक्टली सपना था रे सौर, तो अपने सपनों के बोझ से गए हम बच्चों को तो वही दबा सकते। नहीं बड़ी माँ, मैं किसी बोझ तले दबी नहीं हूँ। बेटर फ्यूचर मैनेज कर सकती हूँ, वो मैं करना चाहती हूँ। कहीं ना कहीं इस दुकान ने मुझसे आप सबको छीना है और वो बात मुझे हमेशा परेशान करती है। भैया जो हुआ वो एक हादसा था, उसमें इस दुकान का क्या दोष है? और ये सिर्फ दुकान नहीं, ये हमारी धरोहर पंड्या परिवार का गर्व है। ये दुकान हमारी जान। और बेटा इसमें कोई बुराई नहीं है कि तुम अपने सपने के बारे में सोचो। और तेरे बड़े पापा को तुझ पर पूरा भरोसा है कि मेरी गुड़िया जो डिसीजन लेगी ना मिट्टू के बारे में सोच। ये जो कुछ भी हुआ तो किसी ना किसी तरह से उनके साथ इनजस्टिस नहीं है। फिर भी धरा भाभी और बॉम्बी ने ये दुकान तेरे नाम पर की। अगर तुम्हें अपने अपने पूरी करने के लिए दुकान बेच दे तो शीशा में टुको कैसे लगे? निशदा मेरे तीनों बच्चों में भरपूर प्यार देखो, वो ये सब नहीं सोची। बच्चों ठीक, आज इस दुकान के बारे में एक छोटी सी बात बताओ। कुछ तो से इस दुकान ने हम सबको समझा दिया।